हेलो फ्रेंड्स, मैं मित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिताज क्लासेज में। और जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि जीएस और या जीए कैसे पढ़ें, ठीक है। जैसा कि सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, सब में जीएस पोर्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसकी तैयारी हम सटीक नहीं कर पाते। मोस्टली क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हमारे जैसे 50 क्वेश्चन आए ना, तो उसमें से 20-25 ही हो पाता है, जबकि स्कोरिंग पोर्शन है, ठीक है। अगर आपका ये अच्छे से तैयार है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बस इस वीडियो में इस मैटर पे बात करेंगे कि कैसे हम उसको पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, वो भी कम समय में, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक, पहले ये जानिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक। जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, मतलब ये सब टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि जो भी आप पेपर दे रहे हो, अगर आप वनडे एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, उसमें पहले ये जान लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं उसमें, और भी चीज़ें हैं तो सब उसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि कैसे पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले उसे पढ़ें जिसे पढ़ने में आपका मन लगता हो, ठीक। जैसे क्या होता है, किसी किसी बच्चे को कंप्यूटर पढ़ने में अच्छा लगता है, पहले वो कंप्यूटर को कवर कर ले पूरा, ठीक। एक दो नंबर का तो आता ही है, ठीक है। और अगर जैसे किसी को हिस्ट्री समझ में आती है बहुत अच्छे से, अच्छा लगता है, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर ले। किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है, जल्दी से वो भूगोल पूरा पढ़ के क्लियर कर ले, ठीक है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि वो पहले पढ़ लीजिए जो आपको, जिसमें आपका मन लगता हो, ठीक है। अब जैसे आपका मन नहीं लगता कि मतलब मुझे नागरिक शास्त्र नहीं समझ में आता, फिर आप नागरिक शास्त्र ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना कि मन नहीं लगेगा फिर आपका जीएस पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो कोशिश करना कि जो आपको आता है वो ख़त्म कर लेना, ठीक। फिर ये देखिए कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि जो आप पेपर दे रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछा जाता है। पिछले साल के कम से कम 5-6 साल, 10 साल का पैटर्न देख लो कि उसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। हर एग्ज़ाम का अलग अलग होता है, तो आप जिसका पेपर देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है सबसे पहले, ठीक। अगला पॉइंट है इसमें, आप पूरे सिलेबस को दिन में बांट लीजिए, कब क्या और कैसे पढ़ना है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि जो भी आपको पढ़ना है, ठीक, अभी तक ये आपने देख लिया कि क्या क्या पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इसको क्या करो, पूरे सिलेबस को, पूरे जीएस को बांट लो कि हमें किस दिन, कितने दिनों में, किस दिन में ये पढ़ना है, ठीक। जैसे आपको सुटेबल लगे, लेकिन आप उसको बांट जरूर लीजिए। जैसे कि हाँ, 10 दिन हमें पहले हिस्ट्री पढ़नी है, फिर 10 दिन ज्योग्राफी पढ़नी है, इस टाइप का आप कुछ बांट सकते हो, और फिर उस टाइम पीरियड में आप वो पढ़ते रहिए, ठीक है। अब अगला है, पढ़ते समय उसका प्रतिबिंब बनाइए, जो कि जैसे कि कोई कहानी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक, युद्ध हो रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हो किसी दो लोगों के बीच में युद्ध को, तो आप एक प्रतिबिंब बनाइए कुछ, जैसे नाम से रिलेटेड हो या कुछ भी, आप कुछ ऐसा सोचते रहिए, ठीक है, उसे एक प्रतिबिंब बनाते रहिए, तो जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। और एक फॉर्मूले की बात करूँगा मैं लास्ट में सबसे, कि 50:10 का आप ये लेके चलना, मतलब 50 मिनट की पढ़ाई करना और 10 मिनट उस पर देना कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक। जैसे आपने लगातार 10 मिनट, 50 मिनट हिस्ट्री पढ़ ली, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। एक साथ 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का रेस्ट, 50 मिनट आपने हिस्ट्री पढ़ी, अब आप 10 मिनट ये रिवाइज करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे कि आपने जो भी पढ़ा है उस 50 मिनट में, वो 10 मिनट में आप रिकॉल करोगे बिना देखे हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, और फिर मैं बताऊँ आप जल्दी भूलोगे नहीं वो चीज़ें। तो ये रेशियो सबसे बेस्ट है, मतलब काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है ये, और बहुत अच्छा है ये कि 50 मिनट आप पढ़ो, फिर उसके बाद 10 मिनट ये पढ़ो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो एक मेरी तरफ से राय है आप लोगों को कि 10 किताब पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं, मुझे लूसर्न भी पढ़ना है, मुझे अरिहंत भी पढ़ना है, मुझे ये जीएस पढ़ना है, मुझे वो जीएस पढ़ना, नहीं, आप लूसर्न लो, उसी को 10 बार पढ़ डालो, मतलब कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए ऐसे पढ़ लो। तो क्या होगा ना, सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा बार पढ़ लोगे तो वो आपको कंटस्ट होती चली जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए याद होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मेरी राय में है कि 10 किताब पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।